हाय गाइस, मैं आज आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ मैथमेटिक्स से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इसमें सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है सर्किल में। और मैंने इससे पहले सर्किल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको सर्किल की जानकारी लेनी है तो आप हमारे वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं बताऊँगा कि हमारे सर्किल में हम सेक्टर कैसे निकालते हैं। तो हमारे एक सेक्टर निकालने के लिए उसमें हमें दो रेडियस और एक आर्क होना जरूरी है। मतलब ये देखिए, ये हमारा सर्किल है, तो इसमें हमारे में दो रेडिये, ये दो रेडियस है और ये हमारा एक आर्क है। मतलब हमारे में दो रेडियस और एक आर्क हो मिड पॉइंट से, तो उसे हम सेक्टर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इसमें दो सेक्टर बने। जैसे एक ये तो बना ही, ये हमारा छोटा सेक्टर है, ये बड़ा वाला भी, तो ये भी हमारे दो रेडियस में ही है और एक आर्क में, तो ये हमारा बड़ा सेक्टर है। तो इसलिए जो स्मॉल सेक्टर है उसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर, जो बड़ा है उसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। तो अब हम देखते हैं कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर होता क्या है। अब हम पहले देखते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हमारे वो होता है जो हमारे लेस देन 180 डिग्री हो। मतलब हमारे माइनर सेक्टर हमारे 180 डिग्री से नीचे हो। सर्किल हमारा 360 डिग्री का होता है। ये हाफ है, ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो हमारे इसमें माइनर में ये 180 से, ये 180 से मतलब आधे सर्किल से कम हो तो उसे माइनर सेक्टर कहते हैं। मेजर सेक्टर हम उसे कहते हैं जो हमारा 180 डिग्री से बड़ा हो। मतलब हमारे आधे सेमी सर्कल से बड़ा हो। ये एक सर्किल है, इससे ये हमारा 180 है, ये 180, तो ये 180 डिग्री से बड़ा, उसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। अब हम देखते हैं कि हमारा सेगमेंट क्या होता है। जो हमारा सेगमेंट होता है वो हमारे दो रीजन में बता रहता है और उसे हम कहते हैं आर्क। ये हमारा एक आर्क में बता हुआ, तो इसे हम कहते हैं सेगमेंट। और ये हमारा मिड पॉइंट है, ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा एरिया, इसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। और ये स्मॉल है, इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। इसमें हमारा माइनर सेगमेंट में वो ये जो हमारा रीजन स्मॉल रहता है उसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। हमारा रीजन बड़ा रहता है, वो आर्क से ऊपर रहता है, वो भी हमारा एक आर्क ही है, वो हमारा बड़ा आर्क है, तो उसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। मैं आशा करता हूँ कि आपको सेक्टर और सेगमेंट आसानी से समझ में आ गया होगा सर्किल का। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाय दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।